आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं गन्ना भाई आ गए, कोई बात नहीं है भाई। मुझे खन्ना भाई से शिकायत है कि खन्ना भाई बात सुनो यार, आप तो जोशी मठ में थे, देर से आए और लेकिन आए कैसे, मतलब क्या क्या चक्कर है? एक मिनट जी भाई, आयोजकों ने इतने उससे बुला रखा भाई साहब को और देर से आए, अब वैसे जोशी मठ से आ रहे हो, आए कैसे भाई साहब? एक मिनट बाबा विश्वनाथ की पवित्र धरती माँ, सभी लोग उठे, घनानंद को नमस्कार। बड़ी खुशी होगी भाई साहब जब उम्मीद है भाई ओम मदानी जी बोली कि आप उत्तरकाशी आ जा, बहुत मजा आएगी, लेकिन मैं बोले यार भाई हमारा आज का मुख्य अतिथि जी श्रीमान जोटा साहब बगल माँ लैंड भी भरा ही पता नहीं चलो कुकू बैठे, लेकिन जो भी थे श्रीमती यशोदा राणा जी जिला पंचायत अध्यक्ष और दूसरा वो भी राणा ही चल जो दिखाने में नहीं पर चला कोई भी थे, और विशेषकर जो भयंकर बढ़िया व्यवस्था बनाई थे जेपी कुक रेड्डी जी, ताली बजाना एक बार, कई मेडल मिले चलो थे पुलिस का कई मेडल, और अभी मैं धीरे धीरे सब जब उजल हो जाऊ या तो बंद कर दे तब टिकट हो सकते, तो सब उठे घनानंद को नमस्कार से खूब छन तुम्हारा बाल गोपाल चिपला कपाल बात जगह आप जो सिमर बड़ी देर के लिए हुआ ही मतलब कौन क्या आप या भैजी जो सिमर बड़ी देर ही हुई जी आप जोशी जी बहुत बड़ा उद्घोषक भी छन एंकरिंग भी कर दन यूं का वास्ता मी छन का बोलू कम छ यूं न बड़ी तारीफ तक कैन बार कैन भी यूं का बारे में नहीं बोली, लेकिन भाई साहब नमस्कार और ये बहुत अच्छा गीत भी गदन पर भैजी गीत तो आप भी बहुत सुंदर लगा ना। अरे भैजी एक बात सुना जी बोले यार एक दिन में गीत गाना जो ना जी मैंने कहा पापा अब बगल में एक बोडी छे पर बेटा बाबा तन्नी एड़ो पर तन्नी एड़ा छो मेरे बछुर मोरी छो तो ये एक हाइट बन अबे यार हाइट छोटी ये क्या हमारे श्री भक्ति ना तो माइक लंबू होगी भाई जी आप तो उद्गाई जा हाँ अब आवा जी भाई ये बोला राजपाल यादव छुट्टी कर गए थे अच्छा नेपाली है तू अच्छा कहाँ कर रहा है ये ना देर होगी मतलब जो सिमटवटी ठेठ आप जो सिमटवटी आया यक पर जरा देर होगी क्या बात कर के आया आप पहले भी ये रुद्रनाथ महोत्सव हूँ ना अच्छा रुद्रप्रयाग अच्छा वे थे निपटा की सीधा पहले भी जो सिमट का कुछ मनाली वाली एक रोड च ना जी उन बोल घना भाई आ जाओ करीबन 10 साल पहले गए थे तो जब गए तो पछाण ही नहीं सकने की कि घना भाई कमजोर हो गया अब प्रोग्राम के साथ प्रेमी लोग भगवान ऐसा गरीब सबको बनाए अब साहब मैंने कहा यार बस जनपद भाई साहब कहाँ जाना है मैंने कहा भाई साहब उत्तरकाशी जाना है पर भाई साहब श्रीनगर तक तो आपको एक गाड़ी ले जाएगी वो है मैंने कहा यार अच्छा बना इसके बाद कुछ नहीं जाती मैंने कहा ना टैक्सी वैक्सी आने बात टैक्सी यही बड़ी मुश्किल से मिलती है अब मैंने बस चांद मैंने झलक उठाया चले अब जैसे तो गाड़ी आ गए मैंने ओ भाई साहब अरे बोल मरोगे मैंने कहा अभी कहाँ मरेंगे बाद में मरेंगे अब दरवाजा खोला मैंने कहा भाई साहब मुझको भी जाना था कहाँ जा रहा है मैंने कहा
जिंदाबाद डाला है। बल्ब जगह नहीं है। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, देखो तो सही दरवाजा खोल रही बड़ी मौका दुनिया भर को चाव मचा धरने भी जगह ना। बल भाई कहा जाता है बैठे हुए, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरी धोनी में रख दूंगा क्या। अब मैंने कहा यार तो कहाँ बैठो, यहाँ बात जगह नहीं है। मैंने कहा देखो भाई दिल में जगह होनी चाहिए यार, कोई बात नहीं, जैसे तुम हो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। और भाई साहब मैं भी जैसे खड़ा हुआ, मैंने अपना देखिए मेरे बोल कोई जगह होती, एक लौंडा बैठा हुआ शाहरुख खान की स्टाइल। अरे मैंने कहा बुला आओ बुला भाई साहब, मैंने कहा मुझको बैठ दो। बोल क्यों, हमने बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार जरा मैं जरा है, तू जानते ही मुझको जरा उब होता है। और भाई साहब ऐसी बात कर रहे हैं आप, मुझको तो उब भी होता है उंध भी होता है। मैंने कहा बैठने दे यार, अब देखी जगह तक खींचे तो आगने ड्राइवर का बगल पर बिल्कुल एक बोटी बैठी हुई, कांच पर बिल्कुल मुंड लगे। मैंने देखा देखा कहीं जगह नहीं, तब तक एक आदमी एक आदमी दो तीन आदमी मिला। अब एक आदमी ऐसा हो रहा, अब भाई साहब जगह पूरी खाली। अब मैंने कहा ये जगह बैठ गया और मैं जैसे बैठ गया, ओ भाई साहब क्या हुआ, बता बैठ रहे मेरे जगह खाली है। अरे कैसी जगह का, जगह इसकी है। तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों हो रखा है, ये बैठ के नहीं रहा है। अरे बस कैसे करके बैठेगा, यहाँ पर पिछड़ा हो रखा है, फोड़ा हो रखा है। तो मैंने कहा फोड़ा हो रखा है तो ये बैठ नहीं रहा है बनना। मैंने कहा इसको कहाँ ले जा रहे हो। और भाई साहब इसको श्रीनगर ले जा रहे हैं बेस हॉस्पिटल में, अगर वहाँ पर अच्छे डॉक्टर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उसको जोलीग्राम ले जाएंगे। अच्छा मैंने कहा ये फुंसी हो रखी, इसको फोड़ना है बना। तभी भी पिछले हो गया, तब तक एक आदमी ऐसा हो रहा। मैंने कहा भाई हाँ इसी का भाई था वो। अब भाई साहब ऐसा हो रखा है, बन भाई साहब इस पर हाथ मत लगाना। मैंने कहा क्यों, बन भाई साहब इसका हाथ टूटा हुआ है, इसको चोर निकला नहीं करो। अब भाई साहब मैंने कहा जल्दी चलो यार, भाई साहब मेरे को वहां जाना है प्रोग्राम भी, जल्दी चलो भाई खेल जा रहा चल रहे। अब रास्ता ही नो कच्चू सड़क खड्डा के लगे आम जमा खड्डा हुआ यहाँ जाना चले जगह। अब गाड़ी चली क्यों, अब गाड़ी चली गाड़ी चली आगे घर घर घर। अब मैंने कहा तेज चल भाई, तू तो ऐसे चल रहा है, घटमन भी तेज चलता है आज तो। और आगे गाड़ी चली 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 और तब तक खड़ा खड्डा आ गया, उन्हें ब्रेक मारा। अब ब्रेक लगा रहे खड़ तो जो यू हो रखा था वो खड़ा से नीचे बैठ गया। बल बाबा बल बाबा गाड़ी रोको। बल क्या हुआ बाबा, बल यार जिस काम के लिए जा रहे थे यही फूट गए। अब कंडक्टर बोल के भाई ये बात कहाँ जा रहा है, अपने अपने पास पैसे ले लो और टिकट कटाओ फटाफट, खुले पैसे निकालना हाथ में ले लो पैसे। अब हमने भी मेरे पास भी 100 नोट 100 मिनट हाथ में पकड़ दे, कहीं 50 हो कहीं 500 कहीं 1000 हो कहीं 50 रुपया। कैसे करिए भाई साहब कहाँ जाना है भाजी, भाई मुझको 100 रुपया जाना है। बच्चों रो क्यों रहे, ऐसी क्या बात है, लाओ निकालो 62 रुपये। बस भाई 62 रुपये नहीं, हम तो गरीब आदमी हो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बीपीएल कार्ड है। अरे बस बीपीएल कार्ड थोड़ी चलता है यहाँ, 62 रुपये निकालो। मैं बस गरीब आदमी हूँ, मेरी नौनी ब्योज भेजी बड़ी मुश्किल से ब्योड़ो नौनी ब्योज। अरे अगड़ वाले आदमी आप जान रहे कि गड़ वाला आदमी बहुत दयावन हूँ जी, तब कोई बात ठीक बात, चलो फिर चलो ट्रेन ले यार नहीं दे। अब गाड़ी आगे चली तब तक लौंडा, बस तुमको कहाँ जाना है, बस भेजी मुझको भी वही जाना चाहे इस बूटे में जाना है। बस तो 62 रुपये निकाल तू, बस मैं भी गरीब आदमी। बल तो उसकी तो बेचारे की लड़की की शादी हो रही है यार, वो गरीब आदमी है बस साहब, उसकी लड़की से मेरी तो हो रही है शादी। ओहो अब आगे चले, तब तक पैसे करना बैठ गए तो वही निकाल, सब उन हाथ में पैसा पकड़ा। बल निकालो भाई तुम पैसे निकालो, तब तक वे टिकट काटी दे दे। बल निकाल पैसे, मैंने बल अभी दे दिया आपको। बल कहाँ दिए यार तूने, बल जब मैंने पैसे दिए तभी तो आपने टिकट दिया। अब हम खड़ा हुआ यहाँ तो वो सब उसे गवाही ले लूँ ना। बल भाई साहब इसने दिए हैं,
मैंने कहा क्या बता भाई, 50 करोड़ तो था इसके हाथ में। अच्छा तब तक तूने यार सूत्र, अरे यार मैंने दे दिया, अरे गाड़ी रोका उतारो उसको। अब घबरा हुए हुए मैंने इसी फैदे उठे गए, मैंने कहा भेजिए बात सुनो कंडक्टर साहब, तुम्हारा घबरा हो जैसे भी हो रहा है, मैंने मेरी बात सुनो, मैंने आपका 100 करोड़ दिया, कहीं भूल मत जाना। अच्छा आप तक तो घना भाई मुझको याद है, फ्री में आएगी। अच्छा तो बहुत बढ़िया घना भाई जी पहुंचा, जोरदार ताली एक बार पूरा घना जी का वास्ता रखना घना भाई जी।